हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडूटैप। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। पेपर में 10 दिन बचे हुए हैं तो मतलब हालत थोड़ी सी टाइट होगी, लेकिन सभी लोग मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप भी इसी उम्मीद के साथ और मेहनत करें। आज जो है हमारा क्रैश कोर्स का लेक्चर 10 है, पेपर 2 के लिए है। मैं पहले ही बता देता हूँ ये किसके लिए है, पेपर 2 के लिए है। आज मैं कराने वाला हूँ आपको मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। अगर पेपर थोड़ा सा टफ बना दिया जाए तो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लगा लेक्चर, और सब्सक्राइब, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, टाइम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, बहुत सारा हमने पढ़ना है, काफी सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। आप तैयार हो जाइए, अपने पेन कॉपी उठा लीजिए, प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताने हैं। वीडियो को पॉज करना है, सबसे पहले खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन को और उसके बाद ही आगे वीडियो को देखना है, क्योंकि अब आखिरी टाइम बचा हुआ है पेपर का, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि हाँ अगर क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, मुझे बताइए फटाफट से क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विच कंटेन्स द राइट एंगल आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अब हिंदी में पढ़ता हूं, क्या कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं ए और बी जिनकी लेंथ दी गई है, कौन सी दो साइड लेनी है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अभी बताऊंगा सारी बातें, ध्यान से सुनो। थ्री स्क्वायर्स आर ड्रोन ऑन द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ऑन द आउटर साइड। जो ट्रायंगल है उसकी जो साइड है उसके बाहर बाहर हमने तीन क्या बना दिए, स्क्वायर बना दिए, वर्ग, क्योंकि ट्रायंगल की तीन साइड है, हर एक साइड को बेस मानते हुए एक वर्ग बनाया गया, एक स्क्वायर बनाया गया। क्लियर है? अब आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड थ्री स्क्वायर। टोटल एरिया बताना है ट्रायंगल का और उन स्क्वायर्स का। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक बार और पढ़ लीजिए तभी समझ में आ पाएगा। अब यहां पे ध्यान से सुनो, आपको पता है कि अगर बात स्क्वायर की होगी, अगर बात स्क्वायर की होगी तो जो एरिया होता है, एरिया वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है या नहीं होता है, बिल्कुल। और अगर बात ट्रायंगल की होगी, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, बिल्कुल यही होता है, हमारी बात हो चुकी है इस बारे में पहले, हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर है? अब यहां पे सुनो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना सभी लोग। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने ये बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यही होता है राइट एंगल ट्रायंगल, दिख रहा है आपको साफ साफ। अब जो 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, बात समझ में आई या नहीं है? इसकी ये दो साइड दी हुई है, ये नहीं दिया गया क्योंकि 90 डिग्री ये दो लेंथ, ये दो साइड बना रही है, बात क्लियर है ना? तो ये दी है, एक ए दे दी गई और एक बी दे दी गई। आप इसे ए मान सकते हो, इसे बी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि इनके आउटर साइड पे एक एक स्क्वायर बनाया गया, मतलब एक स्क्वायर तो यहां पे बनाया गया इसे बेस मानते हुए, ये साइड है ए, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ए बी सी, तो एक तो स्क्वायर बनाया गया इस तरफ, बात समझ में आई या नहीं है? मतलब अगर इसकी ये साइड ए है तो ये भी ए रही होगी, ये भी ए रही होगी, ये भी ए रही होगी। क्लियर? एक स्क्वायर बनाया गया इस तरफ, बात समझ में आई? ये साइड बी है तो ये भी बी रही होगी, ये भी बी रही होगी और ये भी बी रही होगी। क्लियर? दिख रहा है? और एक स्क्वायर बनाया गया इसके हाइपोटेनियस पे, ऐसे ध्यान से देख रहे हैं आप सभी लोग, एक स्क्वायर ऐसे बनाया गया, इतनी बात समझ में आई या नहीं है? अब इस स्क्वायर की लेंथ कितनी होगी? अब अगर मैं एक ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखूं, कौन से ट्रायंगल में, ए बी और सी में, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या हो जाएगा अगर मैं इसे एच कह दूं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये जो साइड है ये कितनी आ जाएगी, अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात समझ में आई या नहीं है? अगर ये साइड अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड सेम होनी चाहिए, तो ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, होगी या नहीं होगी? क्लियर है ना? अब मैंने बताया कि भाई स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो इसकी साइड कितनी है, ए है, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो ना बात? अब अगर इसकी बात करूंगा, ये स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है बी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, बात क्लियर है? और अब अगर मैं इसकी बात करूंगा यहां पे, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, ये होल स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो एरिया जो है इस स्क्वायर का क्या रह जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। उसने कहा कि तीनों स्क्वायर का तो एरिया चाहिए ही चाहिए, ट्रायंगल का एरिया भी चाहिए, और ट्रायंगल का एरिया क्या बताया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बी और हाइट कितनी है ए, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? अब इन सबका सम निकालना है, अब इन सबका क्या निकालना है, सम। अब यहां पे आंसर सुनो, इसका कितना हुआ एरिया ए स्क्वायर प्लस इस वाले स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस इसका कितना हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात समझ में आ रही है? और ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ प्लस वन बाय टू ए बी, क्लियर हुई बात या नहीं हुई बताइए? अब ए स्क्वायर तो कितना हो गया टू ए स्क्वायर, हटा दो इसे, तो ये हुआ टू ए स्क्वायर, क्लियर? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया टू बी स्क्वायर, बात बताइए समझ में आ रही है नहीं आ रही है? प्लस हाफ ए बी, ऐसा कोई ऑप्शन तो हमें दिख नहीं रहा, हम देख रहे हैं कि टू कॉमन है यहां पे, तो यहां से टू कॉमन ले लो, टू कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, देखिए टू कॉमन ले लिया मैंने यहां से, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखो हाफ का मतलब क्या होता है भाई, 0.5 होता है या नहीं होता है, तो इसे मैंने लिख लिया, क्या लिख लिया प्लस 0.5 ए बी, क्योंकि मेरे पास जो आंसर है वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो 0.5 ए बी यहां पे है या नहीं है, तो यही आंसर होगा, बताइए समझ में आई बात या नहीं है? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो सॉल्व हो जाना चाहिए भाई, रुकना नहीं चाहिए, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई है आज तक, तो एंड टाइम चल रहा है, पेपर के नजदीक का टाइम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी तक सारी चीजें पढ़ते रहे और अब भूल गए, है ना, बताओ क्लियर हो रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, सोचिए क्या हो सकता है। 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बाय 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 1 अपॉन p, सोचिए कैसे करेंगे आप बताइए, ठीक है, आपने वीडियो पॉज करके सोचना है यहां पे, है ना। अब यहां पे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्या चाहिए, p प्लस 1 अपॉन p, मतलब आपको डिनोमिनेटर में p चाहिए या नहीं चाहिए, इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां पे देखिए कि किस तरीके से इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। अब यहां पे क्या होगा कि अगर मैं देखूं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखूं तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर p प्लस 1 अपॉन p करना पड़ेगा। एक तो तरीका यह हुआ कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखो दो तरीके बता रहा हूं, तो यह कितना हो जाएगा यहां पर 8p इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, बात समझ में आई? अब आप इसे इधर ले आइए, पी स्क्वायर इधर आके क्या हुआ माइनस 10p प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यही हुआ या नहीं हुआ? और इसे इक्वेशन को सॉल्व करना हो जाएगा बहुत डिफिकल्ट, आप सॉल्व करके देख लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना उतना आसान नहीं है, द्विघातीय समीकरण है ये, उतना आसान नहीं है इसे सॉल्व करना, बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए इन चक्रों में नहीं पढ़ना है, इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी कभी भी। तो हमने क्या करना है, जब हमने देखा डिनोमिनेटर में पी चाहिए तो कैसे मिलेगा, सुनो मैं इसे इधर ले आता हूं, इसे इधर,
और इसे भी इधर ले जाता हूं और इसे इधर, बात समझ में आई या नहीं है? मतलब अगर x अपॉन y इक्वल्स टू a अपॉन b है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, y अपॉन x इक्वल्स टू b अपॉन a। भाई इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, यहां पे भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये रूल है, आपको पता है, शर्त और इंडाइसेस में करा चुका हूं सारी चीजें। तो अब क्या हुआ कि देखो ध्यान से, अब मैंने इनवर्स किया तो क्या हुआ, पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन अपॉन टू पी इक्वल्स टू फोर हुआ या नहीं हुआ, इक्वल्स टू कितना हो गया फोर। अब ध्यान से सुनना सारी चीजें, अब मुझे पी अलग चाहिए, प्लस में वन अपॉन पी चाहिए, तो ये जो 2p है ये इसके डिनोमिनेटर में भी है, इसके डिनोमिनेटर में भी है, इसके डिनोमिनेटर में भी है। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है कि x प्लस वाई अपॉन ए, तो आप इसे लिख सकते हो कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए। ये जो a है ये इसके अपॉन में भी है और इसके अपॉन में भी, आप ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो। तो मैंने यहां पर भी क्या किया कि पी स्क्वायर अपॉन टू पी, बात समझ में आई, माइनस टू पी अपॉन टू पी और प्लस वन अपॉन टू पी, ये टू पी मैंने सबके अलग अलग ऐसे डिनोमिनेटर में लिख दिया इक्वल्स टू फोर। इतनी बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? अब आप देखिए ये कट जाएगा, यहां पे क्या रह जाएगा, माइनस वन। अब इस पी से ये पी कट जाएगा तो ये क्या बचा, यहां पे ध्यान से देखना, पी स्क्वायर सॉरी पी बाय टू, ध्यान से भाई पी बाय टू माइनस वन प्लस वन बाय टू पी इक्वल्स टू फोर। इतनी बात क्लियर है? अब ये जो माइनस वन है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो पी बाय टू प्लस वन अपॉन टू पी, आप लोग समझ रहे हैं ना, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फाइव। ये माइनस वन उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वन। अब देखो यहां पे भी टू है, यहां पे भी टू है, तो कॉमन ले लो और उधर चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहां पे p हमने 2 कॉमन लेके उधर पहुंचा दिया, तो क्या बचा, p प्लस वन अपॉन पी इक्वल्स टू टेन, टू इंटू फाइव। तो यही तो चीज चाहिए थी हमें कि p प्लस वन अपॉन पी इक्वल्स टू कितना आ गया 10, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है बिल्कुल। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगर आप पुराने मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी होगा या सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो जैसे मैंने देखा कि p डिनोमिनेटर में है तो मैंने देखा बड़ी पावर ऊपर होनी चाहिए, छोटी पावर नीचे होनी चाहिए, मैंने यही किया। बड़ी पावर मतलब p स्क्वायर वाला ऊपर ले आया, 2p नीचे ले आया, अलग अलग लिख दिया, मुझे आंसर मिल गया। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से सॉल्व कर देना है फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए, थर्ड क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सीटेट पेपर टू में, आप लोगों को भी पता है। पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, व्हाट विल बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 13 to 36 दैट रिजल्टेड विल बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं 30 into 36 करूं तो कुछ आएगा मेरे पास एक नंबर, उसमें मैं क्या ऐड कर दूं जिससे कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जैसे 93 का स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर है, वह इस तरीके से क्या हो, 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है, इस तरीके से एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बात समझ में आ रही है नहीं? कोई जैसे 81 बन जाए, 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कैसे करेंगे बताइए? अब याद रखना, ध्यान से सुनो, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है ए इंटू बी, ठीक है, और ए एंड बी इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से है, तो इसका जो आंसर होगा कि क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो आपने इन दोनों का क्या देख लेना है, डिफरेंस, क्या देख लेना है, डिफरेंस। मान लीजिए डिफरेंस है डी, बात समझ में आई, तो आपने क्या ऐड करना है, d by 2, क्या ऐड करना है, d by 2 का होल स्क्वायर, क्या ऐड करना है, d by 2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई या नहीं, क्या ऐड करना है, d by 2 का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे देखिए कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 डिवाइड बाय 2, और इसका क्या, होल स्क्वायर,
बात समझ में आई? ये कितना हुआ 3, 3 का होल स्क्वायर कितना हुआ 9। तो आपने यहां पे x की जगह क्या है 9 है, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट में आपने क्या ऐड कर देना है 9 ऐड कर देना है। आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए, 30 × 36 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 1080 और प्लस क्या कर दो 9, तो कितना हुआ 1089। 1089 किसका स्क्वायर होता है 33 का स्क्वायर होता है। बताओ होता है या नहीं होता है? किसका स्क्वायर होता है 33 का स्क्वायर होता है। आप लोग करके देख लीजिए, कोई डाउट है इसमें? तो ये चीज याद रखना भाई, अगर ये इंटीजर्स है तो इन दोनों का डिफरेंस लो, डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर और इसे ऐड कर दो, तो नंबर क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आंसर कौन सा आ गया हमारा? थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद नई चीज सीखने को मिली, अच्छी चीज सीखने को मिली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि 2018 में आपके एग्जाम में पेपर 2 में स्क्वायर रूट क्यूब रूट से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस तरह के क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। क्या कह रहे हैं? द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज, ये आपके सामने है। अब देखो ये जानना चाहता है द स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट। आप देख लीजिए 272 का होल स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करेंगे कि पहले 272 का होल स्क्वायर लिखेंगे यहां पे कुछ वैल्यू निकाल के, फिर उसमें से माइनस करेंगे 128 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल के। पता नहीं कितना लंबा आएगा, जल्दी से निकाल पाएंगे या नहीं। पता चला पूरे पेपर में बस यही निकालने और कुछ हो ही नहीं पाया, फिर आप इसे माइनस करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा जो भी आएगा आप उसका क्या करोगे अंडर रूट। ये होता है भाई नॉर्मल सा प्रोसेस जिसमें आपको टाइम देना पड़ता है, जितना आपका पेपर का टाइम है सारा यहीं पे दे दोगे आप, आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब आपने जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा सोचना है, क्या सोचना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और क्या होता है भाई ए माइनस बी। बिल्कुल सही बात। अब आप देख रहे हो कि ये भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है। ए की जगह क्या आ जाएगा यहां पे अगर देखें तो ए की जगह आ जाएगा 272 और बी की जगह क्या आ जाएगा 128। बात पकड़ में आ गई होगी, समझ गए होंगे एकदम बिल्कुल शानदार। तो अब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये, और ये क्या बन जाएगा अब ए प्लस बी और क्या बन जाएगा ए माइनस बी। याद रखना ए की जगह क्या लेना है 272, तो क्या हो जाएगा 272 प्लस 128 इनटू 272 माइनस 128। बात पढ़ ले पड़ी, बिल्कुल इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 इनटू, यही आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इन दोनों का देखेंगे डिफरेंस तो कितना आ जाएगा 144। लेकिन उसने कहा है कि भाई इसका स्क्वायर रूट बताना है, मतलब यहां पे क्या कर देना है स्क्वायर रूट कर देना है। अब आप फिर मल्टीप्लाई करने लगोगे? नहीं, थोड़ा सा ही तो दिमाग लगाना है, और ये तो मैंने बताई हुई है चीजें। 400 को अलग लिख लीजिए और 144 को अलग लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है 400 का अंडर रूट 20 होता है और 144 का 12 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर विल बी 240। ये रहा, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन करना है और बताइए आसान है या नहीं है। तो देखिए 4 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आज, और चारों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके पेपर के लिए, लास्ट टाइम है, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो फटाफट से चलिए जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए पहले और कमेंट कर दीजिए जल्दी से वीडियो बंद करने से पहले कि कैसा लगा लेक्चर आपको और तैयारी कैसी चल रही है आपकी, ये जरूर बताएं हमें। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहिए, थैंक यू।